नमस्कार, मेरा नाम जादव प्रधान। आइए हम लोग शॉर्टकट सेटिंग के बारे में जानेंगे। वो और सेटिंग को अंदर जाके हम ऑफ ऑन करना जरूरत नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेटिंग का ओपन है। हम लोग जहाँ कहाँ यहाँ सेटिंग को ढूंढते हैं, यहाँ सेटिंग में हम क्लिक करते हैं, है ना। इतना हम करना जरूरत नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट सेटिंग हम कैसे बनाएंगे और जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है दोस्त। इसीलिए हम पहले सेटिंग करना पड़ेगा। ये सेटिंग लाने के लिए, ये देखिए इधर अभी निकला है ना, असिस्टेंट, ये असेसिबिलिटी, इसी के लिए पहले से ऑन करना पड़ेगा। इसी के लिए एक काम करने के लिए पहले इसी सेटिंग को क्लिक करेंगे, इस सेटिंग को, ठीक है दोस्त। सेटिंग को मैं क्लिक किया। इसके बाद सेटिंग में जाने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद एडिशनल सेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ 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 क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ असेसिबिलिटी लिखा है, देखिए ये, इसी में क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए असेसिबिलिटी मेनू, ये, ठीक है दोस्त। ये मेरा ऑन है। अगर अगर आपका, देखिए अगर आपका ऑफ है तो ऑन कर दीजिए। कोई भी काम जल्दी होता है ये ऑन रहने से। मैं ऑन किया है इसलिए ये निशाना यहाँ दिखाई दे रहा है, ये निशाना, ठीक है दोस्त। यहाँ निशाना दिखाई, ये दाएं साइड, सबसे नीचे दाएं साइड दिखाई देता है, ठीक है दोस्त। इसलिए मैं ऑफ नहीं करूँगा, ऑन रहने दो। ये ऑन ऑन रहने से बहुत फायदा होता है हमको, अभी बता रहा हूँ मैं। यहाँ ये लॉग का निशान दिखाई दे रहा है ना, लॉग का निशान, ये दाएं साइड, उसी को हम क्लिक करेंगे। यहाँ मिलेगा आपको गूगल असिस्टेंट, असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी का पूरा मोबाइल का शॉर्टकट दिखाई देता है हमको, ठीक है दोस्त। हमको उतना जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से काम करना पड़ेगा। और इसको पावर बटन है ऑफ ऑन करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, इसको मेरे पास पावर बटन होता है और कोई कोई लोग का पावर बटन नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं कई लोग कहीं पावर बटन रहता है, कई लोग कहीं रहता है, स्विच खराब भी हो सकता है आपका। अगर आप ये पावर बटन यूज करने से, स्विच है ना, ये पावर बटन का दबाना नहीं पड़ेगा आपको। यहीं से इसको शॉर्टकट की को ऑन करो, तुरंत दबा दो इसमें, पावर बटन में ऑफ हो जाएगा। और वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम ऑफ, आपको यहाँ वॉल्यूम बटन मान लीजिए खराब हुआ है, ये इधर वाला ये, ठीक है, तो आप यहाँ से ये शॉर्टकट मेनू क्लिक करके इसको देखिए, देखिए मेरा कॉम कैसे हो रहा है, वॉल्यूम ये बढ़ाने के, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये, अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम बटन खराब हो गया तो ये ऐसे यहीं से बढ़ा सकते हो। आपका ये पावर बटन भी अगर खराब हुआ होगा तो इसी पावर बटन से ही काम कर सकते हो आप, ठीक है दोस्त। इस पावर बटन से काम कर सकते हो आप, ये पावर बटन से। और लिखा है यहाँ रिसेंट आप, रिसेंट ऐप में देखेंगे
कि आप क्या क्या खुला था पहले, ये बटन देखिए ऑटोमेटिक दिखाएगा आपको, आपको वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको दिखाएगा। मैं अभी बंद कर देता हूँ और आगे दिखाता हूँ। यहाँ ब्राइटनेस, यहाँ देखिए ब्राइटनेस डाउन, यहाँ क्लिक करने से डाउन हो जाता है ब्राइटनेस, और यहाँ यहाँ क्लिक करने से ब्राइटनेस बढ़ता है। यहाँ देखिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं ना। और इसके बाद है लॉक स्क्रीन। अब मान लीजिए लॉक स्क्रीन को दबाओगे तो लॉक हो जाएगा। देखिए मेरा दबाता हूँ मैं लॉक, देखिए दोस्त। हम फिर आगे जाएंगे, ये तो हो गया लॉक स्क्रीन। इसके बाद स्क्रॉल करके आगे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्विक सेटिंग। यह है क्विक सेटिंग, वाईफाई, ये देखिए वाईफाई है, आप ऑन ऑन ऑफ ऑन कर सकते हैं, मोबाइल डाटा को ओपन कर सकते हो, यहाँ मोड को ओपन कर सकते हो, और यहाँ वॉल्यूम बटन, सॉरी ब्लूटूथ बटन को ओपन कर सकते हो। इस तरह हमारा शॉर्टकट होता है। यहाँ टॉर्च है, टॉर्च को ऑन कर सकते हो। यहाँ कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी आप ऑन कर सकते हो। क्लीन स्टोरेज है, यहाँ क्लीन स्टोरेज को भी ओपन कर सकते हो। अब अंदर अंदर सेटिंग ढूंढ के यहाँ आप ऑफ ऑन करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और नाइट शील्ड है, अब ऑन ऑन भी अंदर जाके नाइट शील्ड करना, सेटिंग को ढूंढ के ऑफ ऑन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से ही वो हो जाता है। और है रियल शेयर है, यहाँ से होता है फ्लाइट मोड, यहाँ से होता है लोकेशन अभी ऑन है, मेरा लोकेशन भी ऑफ ऑन यहीं से कर सकते हैं, अंदर जाके वो लोकेशन ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ यहाँ क्या है ऑटो रोटेट है, यहाँ से आप वीडियो को देखने के लिए यहाँ दबाया हो, अगर होए दबाया है तो आप घुमा ऐसे मोबाइल को घुमाते ऑटोमेटिक वो घूम जाएगा, उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्विट टाइम में पावर सेवर है, आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट है, इस तरह काम होता है दोस्तों सेटिंग से। और नोटिफिकेशन देखिए, अभी देखिए मेरा नोटिफिकेशन आया है, ये वहीं दिखाई देगा, ये मैं नोटिफिकेशन क्लिक करूँगा करूँगा तो ये देखिए अभी आया था ना जियो से बंदा अपन निजर जियो फोन, ये उड़िया में लिखा है, ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। और क्या है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट हम क्लिक करते ही स्क्रीनशॉट ऐसे हो जाता है दोस्तों। ये सेटिंग अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और आपका दोस्तों को भी बताना है शेयर करके। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार।